Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhoge Vasundhara, means those who are hard working and ambitious, they can achieve anything whatever they want in their life. Okay, so hum kya karne ja rahe hain, this is the second lecture of profit and loss. Hum yahan pe concept question ke form mein samjhenge. Okay, so the question kya hai, shopkeeper sold the article at 10% loss. Okay, if he sold the same article at 20% profit, He gain 120 more. Okay, so what is the question? Question is find out the cost price of the article. Okay, क्या पूछा है? Cost price पूछा है. So हम क्या करेंगे यहाँ पे? This is CP. This is SP. This is also SP means selling price. Okay, so cost से प्राइस से भी अगर हम किसी प्रोडक्ट को कम में बेचेंगे तो क्या होगा, वो लॉस कहलाता है, मींस नेगेटिव. और कॉस्ट प्राइस से ऊपर हम बेचेंगे तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट. ओके, पॉजिटिव. सो अभी क्या करना है यहाँ पे 10% लॉस में. ओके, तो इन्होंने 10% लॉस में किया है. इफ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल 20% प्रॉफिट. ओके, तो वो क्या कर रहा है 20% प्रॉफिट में, तो कितना गेन कर रहा है वो इसकी वजह से 120 मोर. तो ओके, ये 10 प्लस 20 इक्वल क्या हो जाएगा 30 इक्वल 120. ओके, सो अभी हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए, मीन सीपी का वैल्यू चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, ये सीपी इक्वल हो जाएगा 120 अपॉन 30 इंटू 100. So this 3 4 is a, and 4 into 100 equal 400. Okay, this is the answer. This is the directly हमने क्या कर दिया इसमें, number वाला कर दिया directly numbers. But अगर जैसे हम इसको जो हमने लिखवाया है परसेंटेज इस फॉर्म में अगर करेंगे, तो जैसे 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10. ओके, एंड 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5. ये पहले लेक्चर में बताया था इसको हम अभी. तो अभी क्या है यहाँ पे, सीपी ये आप देख सकते हैं ये लॉस में है. ओके, तो 1/10 इक्वल लॉस में होगा, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला होता है प्रॉफिट होता है या लॉस होता है. ओके, तो 10 - 1 तो ये 9 आ जाएगा. और इसमें क्या आ जाएगा, 5, ये तो प्लस वाला है, 5 + 6 हो जाएगा. ओके, बट एक चीज यहाँ आप देख रहे हो क्या पंगा है, यहाँ पे जो सीपी है, ये जो नीचे वाला होता है सीपी होता है, और सीपी एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग थोड़ी हो सकता है. जैसे आप यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 10 है, तो इसको भी हम इक्वल कर देंगे. यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, कितना हो गया 5 5 2 10. ओके, अब इक्वल हो गया, इधर भी हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12. ओके, अब तो क्या आ गया, 12 - 9 इक्वल 3, इसका इक्वल क्या होगा, 120 मोर जो है, सो ये हो जाएगा 120 मोर. तो अभी सीपी कैसे निकलेगा, 120 अपॉन 3 इंटू सीपी कितना है, 10 है, सो 3 4 4 × 10 400. ओके, सो हम इसको ऐसे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इस वाले को हम बोल देते हैं मेथड 1. मैं तो कहूँगा आप M2 का ही आदत डालो, क्योंकि जनरली आजकल जो इस वाले फॉर्म को ही जनरली यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो ये एग्जैक्ट नंबर दिया है तो आसानी से हो गया, बट जैसे दूसरा वो ऐसा नंबर आएगा तो थोड़ा सा आसान तो ऐसे भी हो जाएगा, बट इस फॉर्म से करेगा तो ज़्यादा आसान होगा. ओके, सो यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 20% लॉस. ओके, यहाँ पे क्या किया है, 20% लॉस. इफ ही सोल्ड द आर्टिकल सेम आर्टिकल एट द 30% प्रॉफिट, देन ही गेन 200 मोर. ओके, यहाँ पूछा है कॉस्ट प्राइस का होता है, सो
दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस इज सीपी, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। ओके, जब एक कॉस्ट प्राइस से सस्ते में कोई सामान बेचा जाएगा तो लॉस में होगा, कॉस्ट प्राइस से महंगे में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ओके, सो यहाँ पे कितना लॉस है 20%, उसको सेम आर्टिकल 30% उसको प्रॉफिट चाहिए। ओके, सो इसको भी आप मेथड टू तरीके से कर सकते हो। तो मैं आपको पहला दोनों ही बता दिया हूँ, अब मैं क्या करूँगा इसको नियम टू से ही करेंगे। ओके, मेथड टू ही ज़्यादा बेटर है। 1/5, 30/100 मीन्स 3/10, ये लॉस वाला है, ये वाला है, तो प्रॉफिट वाला तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और ये वाला हो जाएगा 5-1 = 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे ये जो सीपी वाला है, ये वाला ये सीपी है, यहाँ यहाँ का सीपी क्या है, अलग अलग है। तो एक ही प्रोडक्ट का सीपी अलग अलग कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ओके, अब क्या करेंगे, 13-8 = 5, 5 = कितना मोर है 200, से आ जाएगा 200। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीपी का वैल्यू, ये आ जाएगा 200/5 × सीपी का वो जो वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे 10 है। सो वो क्या आ जाएगा सीपी का एग्जैक्ट वैल्यू 40 आ जाएगा इसका, 40 × 10 हो जाएगा, तो ये 400 आ जाएगा। ओके, सो इस फॉर्म में इसको कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें यही करना है, ये सीपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, ये लॉस वाला हो गया, प्रॉफिट वाला हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, 14 × 2/7% का लॉस हुआ है इफ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल। ओके, sold the same article at 14 × 2/7% profit, then he gain 100 more. Okay, what is the cost price pucha hai, yahan pe bhi wahi same hai. So to kya kar sakte hain hum isko, 14 2 by 7 ko hum kya likhte hain, 1/7, 14 2 by 7 ko hum likh sakte hain 1/7. Okay, एंड उस प्रॉफिट को भी उसको कितना है 14 × 2/7, सो ये भी हो जाएगा 1/7। यहाँ पे आप देखोगे दोनों का सेम है सीपी, सो कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ये माइनस हो गया तो ये 6 हो गया, ये प्लस हो गया तो ये 6 × 7 × 8 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 14 × 2/7। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, 8-6 = 2 आ गया, 2 एक किसके इक्वल है 100, 2 पॉइंट, सो सीपी का वैल्यू क्या आ गया 100/2 × सीपी कितना है 7। ये जो है स्क्वायर फॉर्म है, ओके, इट्स नॉट एग्जैक्ट नंबर, कुछ इसी रेशियो में होगा। ओके, ये सीपी का इसी फॉर्म इसी रेशियो में होगा। ओके, यहाँ जो आ रहा है एग्जैक्ट सीपी का नंबर आ रहा है। ओके, 700 2, दिस वन इज 50 × 7 = 350। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सौ पेपर सोल्ड द आर्टिकल एट 16 2/3% losses. If he sold the same article at 12 1/2% profit, then he gain 280 more. तो पूछा है cost price क्या, वही same इसमें भी करना है, CP
सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ओके। सो कितना लॉस हुआ उसको? 16, 2/3%। यहाँ पे 12 प्रॉफिट कितना हुआ? 1/2%, ओके। सो ये पूछा है तो इसको 16 2/3%, ओके, हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। एंड 12 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 1/8, ओके। सो क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस है और ये प्रॉफिट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये लॉस है तो नेगेटिव हो जाएगा। 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बट आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे जो सीपी का वैल्यू है, सीपी अलग अलग है, सीपी का जो रेशियो है वो सेम नहीं हो, सेम नहीं, सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसा करेंगे जो इक्वल हो जाए। तो ये यहाँ पे 8 है, तो 8 को यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3, यहाँ भी 3 कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4, दोनों कॉमन हो गया 24, ओके। तो ये सीपी कितना हो गया? 24 अभी है। सो यहाँ पे भी इसमें कितना 3 मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 किए हैं तो यहाँ पे 4 कर देंगे। सो ये कितना आ गया? 5 4 20 9 3 27, ओके। सो 27 - 20 = 7, 7 = 280। जो ये 280 मोर है ना, तो इसका डिफरेंस ये आ गया। सो सीपी क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सीपी, ये जो है रेशियो है सीपी, ओके, इसी फॉर्म में होना चाहिए। सो 280/7 × 100, 7 4 जा, ओके, 7 4 जा 20, ओके, 40 40 × सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, दिस इज नॉट 100, ओके, दिस इज 100 व्हेन वी टू वैल्यू, दिस इज 24, ओके। सो मैं इसको मल्टीप्लाई 24 से करना है, ओके, सॉरी। तो 24 जा 24 × 4 = 196, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 96। सो आंसर इज 96, और एंड दिस इज 40, सॉरी। सो आंसर इज 960। सो क्वेश्चन हियर इज, सो पीपल सोल्ड द आर्टिकल एट 14 2/7% लॉस, ओके। इफ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल एट 7 1/7% प्रॉफिट, देन गेन 450 मोर, ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। सो अभी हम क्या कर देते हैं इसको, 14 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7। और दूसरा 7 1/7, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/14। ये लॉस वाला है, प्रॉफिट वाला है। सो 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 14 + 1 = 15 हो जाएगा, ओके। सो लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जो इसका रेशियो है कॉस्ट प्राइस का एंड प्रॉफिट, इधर ईयर लॉस का, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट का सेम नहीं है ये, जो क्योंकि सेम प्रोडक्ट का
सेम ही होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम 14 है तो यहाँ पे दोनों साइड क्या करेंगे 2 से, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ भी 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। ओके अब आया है तो क्या करेंगे 15 माइनस 12 इक्वल 3, 3 इक्वल कितना 450 मोर आ रहा है 450, एंड देन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 450 अपॉन 3 इंटू कॉस्ट प्राइस, क्या रेशियो है 14 है सो ये 14। ओके 3 ओके सो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सॉरी ये आ जाएगा 0 21। ओके सो करेक्ट आंसर क्या आ गया 2100। अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे नया कॉन्सेप्ट, अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ओके फॉर एग्जांपल जैसे कॉस्ट प्राइस दिया है 4 दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 5 दिया है, प्रॉफिट जो दिया है 1 है। अब जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज। ओके अगर जैसे निकालना है एसपी पे तो यहाँ पे एसपी तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट यहाँ पे एसपी का वैल्यू होगा इनटू 100 होगा। ओके अभी हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी। ओके सो सीपी अगर जैसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो आपको सीपी वाला ही निकालना है, जब स्पेसिफिकली बोले कि एसपी निकालना है तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके अभी हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पहले इस दोनों इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, ओके सो एसपी पे पहले निकाल लेते हैं, एसपी पे प्रॉफिट ये प्रॉफिट कितना है 1 है, एसपी कितना है 5 है, इनटू 100 है तो कितना आ गया 20% प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट पर ये एसपी पे है, यही सीपी पे होता तो सीपी कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज 1/4 × 100 तो कितना आ गया 25% का प्रॉफिट परसेंट। ओके सो ऐसे ही हमें इसको करना है। तो क्वेश्चन करते हैं, शॉप कीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। ओके क्या बोल रहा है, ये 20% सेलिंग प्राइस पे है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ओके सो तो हम यहाँ क्या करेंगे 20% को कैसे लिख सकते हैं 1/5। ओके और ये हो गया एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो हमें सीपी वाला ही निकालना होगा। ओके तो हमें पहले सीपी निकालना होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो सीपी क्या होगा इससे कम ही होगा, से तो क्या हो जाएगा 5 - 1 सेलिंग प्राइस है, तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो कम होगा तो क्या होगा यहाँ पे सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 4। ओके क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ तो सो अब हमें क्या करना है प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट कितना है 1 है यहाँ पे देख सकते हैं, एंड
सीपी का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 वाला रेशियो इनटू 100 इक्वल कितना हो गया, 25%। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल है 12 1/2% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। ओके, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज लेगा आपको हमेशा सीपी पे ही निकालना होगा। ओके, जब तक स्पेसिफिकली ना बोले को आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, सो यहाँ पे 12 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 8 - 1। कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से कम रहेगा, अगर प्रॉफिट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 8 7 हो गया। ओके, सो अभी पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा निकालना है जब तक आपको बोला ना जाए कि सेलिंग प्राइस निकालो। सो प्रॉफिट हो गया 1, यहाँ पे दिया हुआ ये, एंड कॉस्ट ये हो गया कॉस्ट प्राइस इनटू ये हो गया 100। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, 14 2/7%। 8, क्वेश्चन नंबर 8। शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 20% लॉस ऑन सेलिंग द सेलिंग प्राइस। ओके, अभी लॉस में गया है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ओके, अभी हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे, वही सेम फॉर्मूला हमें लगाना है। ओके, जैसे हम प्रॉफिट करते थे अब हमें लॉस वाला लॉस परसेंटेज। ओके, लॉस परसेंटेज इक्वल क्या कर देंगे, इसमें क्या करते थे हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी कर देते थे, यहाँ पे लॉस कितने का हुआ, अपॉन लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ओके, तो हमें यहाँ पे 20% दिया, 20% को क्या कर सकते हैं हम, 1/5 लिख सकते हैं। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, एसपी का वैल्यू जो होगा यहाँ जो होगा एसपी का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। ओके, क्योंकि लॉस में भी का है कोई सामान, सीपी से कॉस्ट प्राइस से भी कम बिका है, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो 5 + 1 होगा, 5 + 1 यहाँ पे होगा, 5 + 1 = 6। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल सॉरी 1/6 × 100। सो ये कितना आ गया, 1/6 × 100। ओके, सो ये आ गया 16 2/3 2/3% आ गया लॉस परसेंटेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सो शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 16 2/3% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ये आप याद रखो, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, यहाँ पे भी लॉस हुआ है। ओके, सो हम 16 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6। सो यहाँ पे भी लॉस हुआ है, तो ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो ये 6 से ज्यादा होगा, क्योंकि लॉस में भी का है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 6 + 1 = 7 हो जाएगा। सो यहाँ पे लॉस परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 हो गया। सो यहाँ पे लॉस कितने का है, यहाँ पे लॉस हुआ है 1 का हुआ है, सीपी कितना है, 7 है, इनटू 100 हो गया, तो कितना वैल्यू आ गया, 14 2/7% ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 5% लॉस एंड सेलिंग प्राइस की बात करें। ओके,
लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस अपान सीपी, तो लॉस कितना हो गया यहाँ पे पहले क्या है 5%, 5% को हम क्या लिख सकते हैं 5% 1/20, ओके। सो यहाँ लॉस, यहाँ भी लॉस हुआ है, सो ये हो जाएगा 21 सीपी हो जाएगा। सो तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, लॉस हुआ है यहाँ पे एक का हुआ है तो 1/ सीपी कितना हो जाएगा 21 इंटू 100, ओके। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ओके, दिस इज द आंसर, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।